वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इफ यू न्यू टू माई चैनल, हाई माई नेम इज अलीशा मैं देन आई विल बी रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना क्रिएट दिस लुक, इवनिंग मेकअप पार्टी लुक। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फेस को क्लीन कर ले ताकि कोई भी डस्ट आपके फेस पे ना रहे। साथ ही साथ आप नेक को भी क्लीन कर ले कॉटन वाइप से। फिर मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र यूज़ करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर एज अ मॉइस्चराइज़र लैक्मी एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी की प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर फाउंडेशन से पहले लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फाउंडेशन को इवन टोन देगा और आपके ओपन पोर्स को भी क्लोज करने में बहुत ही हेल्प करेगा। अभी मैं यहाँ पर प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ शेड ऑरेंज। मैं ऑरेंज इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से डार्क सर्कल्स हो गए हैं। अगर आपको डार्क सर्कल्स नहीं है तो आप स्किप कीजिए। साथ ही साथ स्पॉट्स पे हाइड करने में बहुत ही आपको हेल्प करते हैं। फिर उसके ऊपर मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की। आपके पास जो भी कंसीलर है आप अप्लाई कीजिए जहाँ जहाँ पर आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहे हैं। फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप ब्लेंड कर दीजिए ताकि दो शेड्स एक साथ मिल जाए आपके फेस पे, ताकि कोई भी ऑरेंज जो शेड है वो बाहर ना आए। फिर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मी की फाउंडेशन। मैं यहाँ पर दो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, फिट मी एज वेल एज। मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करने वाली हूँ। फिर जो है मैं प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। फिर ब्लेंडर की हेल्प से मैं उनको ब्लेंड कर दूँगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ब्लेंडर थोड़ा वेट रहे तो ब्लेंड करने में बहुत ही आपको अच्छा वो रिज़ल्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप नेक को भी ब्लेंड करें क्योंकि बाद में नहीं तो फेस और नेक का कलर डिफरेंट होगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर फिट मी की लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आईब्रो के लिए मैं यहाँ पर लैक्मे आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ। आप आईब्रो पेंसिल से भी आईब्रो ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर आईब्रो को एक परफेक्ट शेप और क्लीन करने के लिए प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। फिर ब्रश के हेल्प से मैं ब्लेंड कर दूँगी प्रोडक्ट्स को और एक परफेक्ट क्लीन शेप पे लाऊँगी। फिर मैं आई कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने आईज पे। आई शेडो से पहले आप आई कंसीलर यूज़ करें। मैं यहाँ पर हुदा ब्यूटी के पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन शेड से अपने क्रीज को पहले ब्लेंड कर लूंगी। फिर मैं सेम पैलेट से ब्राउन से थोड़ा लाइट शेड यूज करूंगी अपने आईज पे और अच्छे से ब्लेंड करूंगी। सेम पैलेट से ब्लैक कलर शेड लेके अपना आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी। फिर मैं वही पैलेट से एक शिमरी शेड लेके अपने फिंगर के हेल्प से आईलिड पे अप्लाई करूंगी। फिर मैं ब्लेंड करूंगी दोनों साइड पे। मैं यहाँ पर पेंसिल लाइनर यूज कर रही हूँ। फिर मैं लोअर आईज पे भी ब्रश के हेल्प से अप्लाई करूंगी प्रोडक्ट्स। अभी पाउडर कंट्रोलिंग करने के लिए मैं यहाँ पर मियोन स्टूडियो पैलेट यूज कर रही हूँ विद कंट्रोल ब्रश। इससे मैं अपना चीक बोन्स को कंटूर करूंगी। कंटूरिंग हमारे फेस को बिल्कुल डिफाइन बनाती है। कंटूरिंग आपके फेस को स्लिमर अपीयर कराती है। मैं अपनी नोज़ को भी थोड़ा सा कंटूर करूँगी। नोज़ पे कंटूरिंग करना ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। कंटूरिंग करने से आपके फेस को एक डिफाइंड स्ट्रक्चर मिलता है तो वेडिंग्स पे तो आपको बिल्कुल ही कंटूरिंग करना चाहिए। फिर मैं ब्लशर यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर मास्टर ग्लोम मेबलिन की यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं वही पैलेट से गोल्डन हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ अपने चीक्स पे कुछ इस तरीके से। नोज में भी अप्लाई करेंगे हल्का हल्का हाइलाइटर। फिर मैं
मस्कारा अप्लाई करेंगे, फिर हम फेक आईलैशेस यूज करेंगे। मैं यहाँ पर पैक के आईलैशेस यूज कर रही हूँ। फिर हम अप्लाई करेंगे व्हाइट काजल। अप्लाई कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक शेड रेड। मैं यहाँ पर मिनियन की मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। A few moments later. Hello guys, so I hope you like this video. If you like this video, please give a big thumbs up and comment down. And the tag I use are given in the description box. Go and check it out.